आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के शहर क्षेत्र के आजमगढ़ मोड़ पर विगत कई महीनों से बन रहा नाला मौत का नाला बन गया है। आलम है कि इस मौत के नाले में आए दिन राहगीर गिर जा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका इस नाले को ढकने की जहमत नहीं उठा रहा है। ताज़ा घटना आज की है, जब सुबह सुबह आजमगढ़ तिराहे से गुजर रहा एक राहगीर मोटरसाइकिल सहित अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया। शुक्र बस इतनी थी कि उसे गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन मोटरसाइकिल से गुजर रहे पिंटू की मोटरसाइकिल नाले में गिर गई। नगर पालिका द्वारा चार महीनों से नाले का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन चार महीने से बन रहे नाले के ऊपर पटिया लगाकर नाले को ढका नहीं गया, जिसकी वजह से आए दिन लोग इस नाले में गिर रहे हैं। वही स्थानीय मोहल्ले के पिंटू ने बताया कि अब तक इस नाले में तीन लोग गिर चुके हैं। इससे पहले एक ट्रेन में गिर गई थी, उसके बाद एक साइकिल सवार इसमें गिर गई थी और आज मोटरसाइकिल सवार इसमें गिरा है, जो मरते मरते बचा है। शुक्र बस इतना था कि उनको चोट नहीं लगी है, लेकिन यह नाला किसी बड़े हादसे का सबब बना हुआ है। जी किस तरह का गड्ढा है ये? क्या वजह है इसको नहीं ढका जा रहा है? अच्छा, देखा जाता है कि तमाम बड़े अधिकारी भी इसी सड़क से होकर जाते हैं, तो क्या ये घटना पहली बार हुई है? तीन बार हुई है। तीन बार हो चुकी है। गाय भी गिर गई थी, इसका पहले साइकिल गिर गया था, गाड़ी गिरा, और आज फिर एक गाड़ी गिरी। तो क्या स्थिति है जो गिरा था? स्थिति है कि मरने की सोचा है बेचारा। गाड़ी कहाँ है?